आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश बाबू, मुकेश बाल्मी जी, ग्राम बसरिया, थाना बसरिया, पोस्ट बसरिया और जिला इटावा जी। आपकी क्या समस्या जो आपने हमें याद किया? हमारी समस्या ये है कि हमें मतलब जो है सन 1973 में हमारे पिताजी के नाम पट्टा हुआ था, ठीक। उस पट्टा को मतलब जो है सन 1997 पे उसे मुझे कब्जा दिलाया था। पट्टे कॉपी है आपके पास? है, जिस पे लिखा है। हाँ दिखाइए। कब्जा दिलाओ अभियान सामने लिखा जी, है जी, जी, जिसमें विमल कुमार दुबे अध्यक्ष थे, उन्होंने आगे मुझे कब्जा दिलाया था सन 1997 में जी, ठीक। तो अब क्या समस्या आ रही है आपके? बताइए। मैं रह रहे थे आराम से, हाँ, घर गृहस्थी बाल बच्चे लेके, ठीक। मकान था मेरे छोटे भाई को मेरे पिताजी दे दिया। अच्छा, जो इस जिस मकान में अभी आप रह रहे हैं, ये जो पुश्तैनी मकान है वो मेरे छोटे भाई का है। छोटे भाई का? आपके पास कोई मकान अभी नहीं है? अच्छा अच्छा, जो पट्टे की जमीन थी रहते थे, ठीक, पट्टे की जमीन पे जो मुझे पिताजी ने दिया था इस बंटवारे में, बंटवारे मिला था आपको पट्टे की जमीन, तो उसमें हम रहते थे। अच्छा, सन 97 से रहते हुए हमें करीब 18-20 साल हो गए। अच्छा, सन 2018 में रात के 8 बजे प्रधान और उनके दबंग सब लोग, प्रधान कौन है, प्रधान का नाम बताइए? प्रधान है सुभाष चंद्र शाह, प्रधानपति मतलब। अच्छा, प्रधानपति। हाँ, वो अपने दबंगों के साथ आए, मेरी पत्नी को रात के 8 बजे मारा पीटा, हाँ। और मेरे घर से मुझे निकाल दिया और मेरे गृहस्थी का गृहस्थी नष्ट कर दी, ठीक। नष्ट करने के बाद में सामान फेंक दिया, ठीक। तो मैं भैया गए थाने में, मैंने अर्जी लगाई, थाने नहीं सुनाई, फिर मैं SDM से गए, DM के पास गए, SP के डीएम गए, मेरी लिहाजा कहीं सुनाई नहीं हुई। उसके बाद में मैंने फिर क्या काम किया, फिर अदालत का मतलब दरवाजा खटखटा गया, ठीक। मुकदमा कौन सा मुकदमा किया आपने? SC ST में मतलब 56(3) का मुकदमा कायम किया, ठीक। उसके बाद में दिखाइए, कोई कॉपी है उसकी? कॉपी मेरे पास है, हाँ, जो भी है आप जो दिखाओ। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, फिर मतलब मैंने एक दीवानी दायर की, मतलब जो अपने पट्टे का कागज लगा के, ठीक। सिविल जज में मैंने कोर्ट दीवानी वाला, हाँ, ये दीवानी वाला ये कागज है, जिससे मतलब जो है लड़ते लड़ते मुझे 2 साल हो गई मुकदमा को। अच्छा, मैं दीवानी दार में मुकदमा लड़ते लड़ते 2 साल हो गई, आज मतलब जो है कल भरा उसमें करना शुरू कर दिया उन्होंने दबंग लोगों ने, ठीक। तो मैं थाने गए, थाने में मेरी कोई शिकायत नहीं सुनी। थाने में क्या बोलते जब आप थाने जाते, आप क्या कहा जाते? कहा कि भाग जा यहाँ, ये भाजपा की सरकार है, इसमें तेरी सुनाई नहीं होगी, पैसे वालों की सुनाई है, जो ऐसा बोला गया। तो मैं वहाँ से भैया चले आए और मेरे वो आज भराव आज भी जा रही है, काम अभी चल रहा है कि? हाँ, काम चल रहा है, जिसकी मैंने फोटो ले ली है मोबाइल में, चलिए। हाँ, और उसके बाद में हम गरीब आदमी जात के मेहतर आदमी बाल्मी साफ सफाई गाँव वाली को करके अपने जीवन को मतलब जो पेट पेट का पालन करते हैं, और दरोगा हमें भगा देते हैं। कस्बा इंचार्ज जो हरिशंकर है जी, उन्होंने मुझे भगा दिया। कौन है हरिशंकर है, कौन है कस्बा इंचार्ज? हाँ, वही कहते हैं कि जिसका पैसा है भैया उसी को जगह मिलेगी। हमारे पास कागज भी है, पट्टे का और पट्टे का भी कागज है जो आपको हम दर्शा रहे हैं जी जी जी। हाँ बिल्कुल, वो हमने देख लिया आपका। नहीं, ये पट्टे के कागज ही, अच्छा, पट्टे की रसीद है, ये 2 कॉपी है हमारी असली, कागज दीवानी दायर में दाखिल है सिविल जज में। खाने तक को पैसा नहीं, खाने तक को पैसा नहीं है, बहुत परेशान है। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ये मतलब जो है पैसे का लेन देन करके और आज हमारी पट्टे की जमीन पे मतलब भराव करना शुरू कर दिया है। कितने बच्चे हैं वैसे फैमिली में आपके? हम फैमिली हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं और रहने का कोई सोर्स नहीं है, मतलब सोर्स नहीं। आप 15 दिन बाद खाना, दिन बाद जब बारिश हो जाएगी तो हम क्या करेंगे बाबूजी, हम तो भींगेंगे, हम मर जाएंगे। क्या काम करते हैं वैसे आप? कुछ नहीं, बस यही मेहनत मजदूरी करते हैं, दुकान वकान साफ सफाई कर लेते थे और एक मतलब जो है स्कूल का सफाई करते थे। अब इसके हम लॉकडाउन में सब बंद है। चलिए, आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मजबूरी आपकी एक मांग के पास पेट पाल रहे हैं जी जी। आपकी जो भी समस्याएं हैं बिल्कुल ये प्रशासन तक पहुंचाई जाएंगी। हाँ ठीक, नहीं, अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमें दबंग लोगों से मतलब जो है मुक्त किया जाए, उन्हें सजा मिली, हमें और हमारी मतलब जो है पट्टे की जगह मिल जाए, हम वहाँ रहने लगे गरीब आदमी और पुलिस हमारी सुने भाई, शासन प्रशासन मौन है, क्या करें हम। चलिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी जो है आगे कार्रवाई के लिए वीडियो बिल्कुल भेजा जाएगा, ठीक है? ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। हम जात के गरीब आदमी बाल्मी सफाई कर्मी है, आप सफाई इधर उधर करके जीवन को मतलब भी अपने पालते हैं, पेट पालते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।